हम नेक्स्ट बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। सो आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नॉर्मल भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से जानते हैं। आईयूआई और आईवीएफ के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वह यह है कि आईयूआई जो है एक नेचुरल फॉर्म में हो रहा होता है, आपका फर्टिलाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, परंतु आईवीएफ में हम ये सारी प्रक्रिया जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वह एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है लैब में करते हैं। इसमें आईवीएफ में जो आपको सबसे पहले जो लेडी होती है उसको एग बनाने के लिए इंजेक्शन शुरू करते हैं जो कि महीने के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है। फिर इनको हम अल्ट्रासाउंड या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं उसके माध्यम से हम इसको मॉनिटर करते हैं। जब ओवरी में एग्स एक प्रॉपर साइज के पहुंच जाते हैं तब हम इन एग्स को मैच्योर होने के लिए एक ट्रिगर नाम से इंजेक्शन देते हैं और उस इंजेक्शन के 36 घंटे के भीतर इन एग्स को या जो फॉलिकल्स हैं इनको एस्पिरेट करते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि आईवीएफ में हल्का एनेस्थीसिया देके ये एग्स जो हैं निकाले जाते हैं। इसमें कोई कट वगैरह नहीं होता है, एक बहुत ही फाइन नीडल जो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गाइड करके डाली जाती है उससे ये एग्स निकाले जाते हैं। एक बार ये एग्स निकल जाते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को वो एग्स हैंड ओवर करते हैं और फिर उस समय जो सीमन होता है उसको फिर से वॉश करके हम एग्स के साथ एक डिश में इंक्यूबेटर आप समझ लीजिए एक तरीके से हमारा आर्टिफिशियल गर्भाशय या यूट्रस है उसके अंदर डाल दिया जाता है। सो आईवीएफ में क्या होता है कि जो एग्स हैं और स्पर्म्स हैं उन्हें एक साथ एक डिश या कटोरी नामक चीज में डाल के हम इंक्यूबेटर में फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ जाते हैं। ये इसका फ़ायदा क्या है आईवीएफ का आईयूआई के ऊपर? आईवीएफ का फ़ायदा जो है, मान लीजिए आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या आपके एग्स बहुत कम हैं या आपका स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, इन सब कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आईवीएफ की जो तकनीक है ये इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इससे हमें यह फ़ायदा होता है कि मान लीजिए सीमन में कोई भी स्पर्म्स नहीं हैं तो भी हम अगर सर्जिकल रिट्रीवल हम कहते हैं, अगर हम टेस्टिस से अगर हम डायरेक्ट स्पर्म्स निकालते हैं या स्पर्म काउंट बहुत बहुत कम है तो भी हम इस तकनीक के द्वारा एम्ब्रियोज या भ्रूण बना सकते हैं। फिर ये जब भ्रूण बढ़ के 3 दिन के या 5 दिन के हो जाते हैं वापस इन्हें गर्भाशय या बच्चेदानी में या यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। सो एक बना हुआ एम्ब्रियो एक तरह से आप समझ लीजिए एक पौधे का बीज जो है वापस आपके यूट्रस में डाल दिया जाता है और फिर प्रेगनेंसी वहाँ से ग्रो करनी शुरू हो जाती है और आपके प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। सो दिस इज द एडवांटेज एंड डिफरेंस। सो आई होप मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा कि आईयूआई एक सिंपल टेक्निक है, हेल्पफुल है और इसमें जो प्रोसीजर ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेक्निक है इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के आउटसाइड लैब में किया जाता है, बट द एम्ब्रियो विच इज सेम वो वैसा ही एम्ब्रियो है जैसे आपकी बॉडी में बनता है उसको आपके यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है।